हेलो बच्चों, जैसा कि मालूम है कि इस समय अपने पूरे देश में लॉकडाउन की कंडीशन है, तो थोड़ी सी दो तीन बातें हैं, चूँकि अगर आपको आप सबको मालूम तो है ही है कि थोड़ा सा अवेयर रहें इस कोरोना के बारे में। जब तक हमारा स्कूल विद्यासली पब्लिक स्कूल जब तक हमारा ऑफ है, तब तक हम यूट्यूब के कहना चाहिए कि थ्रू तब तक कुछ मटेरियल आपको पहुँचता रहेगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है आपको पहुँचे। तो अब ये है कि थोड़ा घर पे रहिए, सेफ रहिए, है ना। सोशल डिस्टेंस का फॉलो करिए, हैंड वॉश कीजिए, और बाकी बहुत नेसेसरी अगर वर्कआउट ना हो तो घर से बाहर मत जाइए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि हम क्लास नाइन्थ के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स एट्थ और एट बी में थे। एट्थ से जब नाइन्थ प्रमोट होंगे, नाइन्थ में आएंगे, तो मतलब उनके लिए तो मैं ये सोचता हूँ एकदम बेसिकली बिल्कुल बेसिक। तो एनसीईआरटी हम काम कर रहे हैं इसमें, हमें मालूम है कि आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है इसमें, है ना। हमें मालूम है कि आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, फिर भी कोई चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। आप पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जो हम नोट्स आपको देंगे, जो हम वीडियो बना रहे हैं, वो हम इस मान के चल रहे हैं कि आपको भी इस समय मतलब थोड़ी देर के लिए आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो मैं अब जो भी आपको बताऊंगा केवल आप उसे सुने, बार बार सुने, उसके नोट्स आप बनाएं, फिर कॉपी पे आप उसके नोट्स बनाएं, फिर उसमें अगर कोई चीज़ समझ, पहली बार मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कुछ सिंपल, एकदम सिंपल वे में, फिर भी अगर कोई चीज़ दिक्कत दे जाती है या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जो हमारा गूगल क्लासरूम ऐप है उस पर कमेंट करके मतलब आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, कभी भी किसी भी वक्त। अब सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि इन नोट्स को फेयर कॉपी करनी होगी, फेयरली नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना है, है ना। देखो ये माइंड में ये निकाल दो कि सर दोबारा जब स्कूल ओपन होगा दोबारा से फिर आप करवाएंगे, ना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ही फिर आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए यह है कि हम ये समझ के हम काम कर रहे हैं, क्लासेस हमारे स्टार्ट हो चुकी हैं, थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लगता है, कभी नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ जाती है अपलोड होने में, अदरवाइज डेली बाई डेली आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। और फिर दूसरी चीज़ ये है सबसे ज़्यादा है कि जो भी आपको मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका फेयरली नोट्स बनाइए, उसको घर पर बार बार पढ़िए, एक्सरसाइज भी करवाऊँगा, आर्टिकल भी करवाऊँगा, टॉपिक वगैरह जो भी है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कोई प्रॉब्लम में आने नहीं दूँगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे इस ऐप पर या हमारा जो नाइन्थ का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझसे पहुँच सकते हैं, तो ये कर पाए। तो सबसे ज़्यादा मैं इसी चीज़ को बार बार कह रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाना है, सॉरी, और बार बार इसको पढ़ना है, है ना, बार बार पढ़ना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, है ना, ठीक। तो फिलहाल अब हम जो है आते हैं और हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट को थोड़ा सा ऐसी दिक्कत में इजी बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सेकंड चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल से इसको हम स्टार्ट करेंगे बहुत आसानी से, ना, बहुत एकदम सिंपल वे में, और मैं गारंटी साथ कहता हूँ आपको समझ में आएगा। आप कंसंट्रेशन हो के पहले सुने, फिर उसके आप नोट्स बनाएं, फिर उसके बाद उसको फिर पढ़ें, एक बार दो बार तीन बार चार बार, गारंटी से आएगा, ठीक है। चलो लगाते हैं। हाँ बच्चों, देखिए जैसे फर्स्ट चैप्टर तो आपका नंबर सिस्टम का है, तो सेकंड वाले चैप्टर पॉलीनोमियल से बात स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर है, बहुत आराम से देखिएगा, इसको समझ में आएगा। तो जैसे सॉरी जैसे कि चैप्टर का नाम है क्लास नाइन मैथमेटिक्स चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स है, क्योंकि पॉलीनोमियल्स चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले पॉलीनोमियल्स होते क्या है डिफाइन कर लेते हैं इसको, है ना। पॉलीनोमियल क्या होता है, ए फंक्शन एफएक्स ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू शो ऑन ए एन एक्स की पावर एन इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल। यानी पॉलीनोमियल क्या है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, और अगर इसके फॉर्म में लिखा हुआ है ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए एन, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू शो ऑन ए एन एक्स की पावर एन, ये आपका पॉलीनोमियल कहलाएगा, इस कॉल्ड ए पॉलीनोमियल। भैया अब इसमें ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री क्या है, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, लिखा भैया ए जीरो प्लस ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री अप टू शो ऑन ए एन आर रियल नंबर, ये सब क्या है, रियल नंबर। एंड एन क्या है, ये एन
n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब इसकी जो पावर होनी चाहिए वो हमारे पास नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं पॉजिटिव होनी चाहिए। भाई ये क्या है आपको, ये रियल नंबर है ये, और x क्या है वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और ये जो ये एक्सपोनेंट है ये जो पावर है x की, आपको सोन कहाँ तक है n तक, तो ये क्या होना चाहिए कैसा, नॉन नेगेटिव, ये बोल रहा है आपसे नॉन नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड और ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल, और हम इसको हम क्या बोलते हैं सेकंड लैग्रेंज में, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। तो ये बात समझ में आ गई है कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी है ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब अप टू शो वन ए एन एक्स की पावर एन, तो हम उसे हम पॉलीनोमियल बोलेंगे। ए जीरो ए वन ए टू क्या है बेटा, ए जीरो ए वन ए टू क्या है रियल नंबर्स है, x क्या है वेरिएबल है, n क्या है एक्सपोनेंट है, पावर है उसकी, पावर होनी कैसे चाहिए नॉन नेगेटिव, ये बोल रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस पॉजिटिव, जब नेगेटिव ना हो तो कैसे होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन नहीं, ध्यान रखिए वैसे हम पॉलीनोमियल कहते हैं। अब आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसे। देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस का सेवन, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन ये क्या है पॉलीनोमियल है। अच्छा वेरिएबल बोला इसमें कौन सा है एक्स है, तो हम इसे क्या बोलेंगे इज ए पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन इज ए पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स, हम इसे बोल वेरिएबल कोई भी हो सकता है एक्स बाई जेड टी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया एफ बाई, एफ बाई ये शो करता है कि जो हमारा कोई पॉलीनोमियल होगा उसमें वेरिएबल बाई होगा, हमारे पास जो भी पॉलीनोमियल होगा उसमें वेरिएबल बाई होगा, तो एफ बाई इज इक्वल सेवन बाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई प्लस फोर्टीन। अब ये बाई में आ गया तो इसमें वेरिएबल क्या हो गया बाई हो गया, सेवन बाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई प्लस फोर्टीन इज ए पॉलीनोमियल इन वेरिएबल, हम यहाँ पर बाई बोलेंगे क्योंकि हमारा जो पॉलीनोमियल है वो बाई में है, तो सेवन बाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई। अब आप देख क्या रहे हो कि यहाँ इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है और ना ही फ्रैक्शन में है, अगर ऐसा होता है तो हमारा वो पॉलीनोमियल नहीं होगा, है ना। बट अब कौन कौन से नहीं होंगे उस पर हम जरा फोकस कर लेते हैं। लिखा है फर्स्ट वाला एफ एक्स इज इक्वल सेवन एक्स क्यू, सेवन एक्स जैसे कि लिखा हुआ है सेवन एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट एक्स माइनस फोर। देखिए इसकी पावर कितनी है, इसमें ये जो वेरिएबल एक्स है इसकी पावर कितनी है थ्री बेटा, इसकी पावर कितनी है टू, बट रूट एक्स को आपको पता है आप रूट एक्स को लिखते कैसे हैं पता है एक्स की पावर वन बाई टू, बेटा वन बाई टू क्या पॉजिटिव इंटीजर है नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो जब किसी इस पॉलीनोमियल में किसी भी वेरिएबल की अगर एक्सपोनेंट मतलब उस वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगी फ्रैक्शन में होगी तो वो हमारा पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल सेवन एक्स यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट एक्स माइनस फोर इज नॉट ए पॉलीनोमियल, क्यों नहीं है सिंस पावर ऑफ इन सेक पावर ऑफ एक्स इन थर्ड टर्म। अब टर्म क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म, इस थर्ड टर्म में जो एक्स की पावर है वो कैसी है फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन पार्ट में, पावर ऑफ एक्स इन थर्ड टर्म इज फ्रैक्शन, वो कितनी है वन बाई टू, तो फ्रैक्शन हो गया पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं इसीलिए ये आपका पॉलीनोमियल नहीं है। बहुत पोलाइटली समझने की जरूरत है ना, कोई दिक्कत वाली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक बिल्कुल सिंपल वे में मैं अपनी बात को कह सकूँ, है ना। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है सॉरी रूट एक्स प्लस सिक्स, रूट एक्स प्लस सिक्स की बेटा हम बात कर रहे हैं, तो हमने अभी आपको बताया कि अंडर रूट एक्स को आप लिखते कैसे हो, एक्स की पावर वन बाई टू आप लिखते हो, लेकिन जब इसकी पावर वन बाई टू लिखोगे तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, तो रूट एक्स प्लस सिक्स का मतलब ये भी पॉलीनोमियल नहीं है, तो लिखा है रूट एक्स प्लस सिक्स इज नॉट ए पॉलीनोमियल सिंस पावर ऑफ एक्स इज वन बाई टू, इसकी बेटा जो पावर है ना वो वन बाई टू है, हमें चाहिए क्या नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन वाली पावर हमें नहीं चाहिए, तो रूट एक्स प्लस सिक्स आपका पॉलीनोमियल नहीं है सिंस पावर ऑफ एक्स इज वन बाई टू फ्रैक्शन है, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा इस चीज में ध्यान रखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर इसकी पावर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव का मतलब बेटा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए फ्रैक्शन में,
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला एग्जांपल, जिसमें लिखा है x की पावर 2y3, x की पावर 2y3 प्लस 8x प्लस 1। अब आप देखिए इसमें जो वेरिएबल x है इसकी तो पावर 1 है, बट इसकी पावर है क्या बेटा, 2y3, 2/3 फ्रैक्शन में आ गया। तो जो फ्रैक्शन में आ गया x की पावर 2y3 प्लस 8x प्लस 1, तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, इसीलिए बोल रहे हैं x की पावर 2/3 प्लस 8x प्लस 1 इज नॉट ए पॉलीनोमियल सिंस पावर ऑफ x इज 2y3। मतलब फ्रैक्शन है इसलिए पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए हमारा ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, है ना, पक्की बात हो गई ना। अब हम बात कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से पॉलीनोमियल समझ में आ गया होगा। पॉलीनोमियल कौन से होते हैं, पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें जो एक्सपोनेंट होता है उस वेरिएबल की जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। वेरिएबल कोई सा भी हो, चाहे एक्स में हो, चाहे वाई में हो, चाहे टी हो, वेरिएबल कोई वो पॉलीनोमियल किसी भी वेरिएबल में हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसकी जो पावर है, जैसे रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे बेटा, तो एक्स की पावर 1/2 जब आप लिखोगे तो 1/2 फ्रैक्शन पार्ट हो गया, तो 1/2 फ्रैक्शन का पार्ट आपका हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। जब पॉजिटिव इंटीजर बेटा ये नहीं होगा तो ये पॉलीनोमियल है, ठीक। हमने वर्ड इस्तेमाल करा टर्म, तो टर्म क्या होते हैं, टर्म इन्हें पॉलीनोमियल 5x² प्लस 7x+6 ये बहुत बेसिकली चीज है, जरूरी नहीं कि ये एग्जाम, लेकिन नहीं इनका समझना बहुत आवश्यक है, छोटी छोटी इसका बेसिक वीक है, बेसिक कमजोर है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें फिर बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैंने सारी चीज़ में ओपन कर दे रहा हूँ। मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि इस समय के लिए आपको कुछ नहीं, आप इसको देखें एक एक चीज़, एक एक वर्ड्स को आप पढ़िए, एट में क्या कंडीशन थी उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसके हमारी आवाज़ को सुने, हमारी वॉइस को सुने और इसको देखें और इस पर नोट्स आ रहा है तब आए टर्म्स। तो टर्म्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, इन एक पॉलीनोमियल 5x² + 7x+8 ये बेटा कोई पॉलीनोमियल है, है ना। इसमें एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, टोटल कितने टर्म हो गए, 3 हो गए। तो इन ए पॉलीनोमियल दिस द एक्सप्रेशन 5x² 7x और 8 आर कॉल्ड द टर्म्स, इन्हें हम टर्म्स कहते हैं ऑफ द पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल ओके। पर इसमें कितने टर्म है, अगर कोई आपसे पूछेगा इसमें कितने टर्म है सर, 1, 2, 3 बेटा इसमें 3 टर्म है, क्या बोलोगे, 3 टर्म है, यानी कि 3 टर्म है इस पॉलीनोमियल में, 3 टर्म है, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये वाला भी हो गया। अब बेटा कोफिशियंट की बात कर रहे हैं, हमने आपसे कहा था ना ये क्या है, एक्स स्क्वायर का ये कोफिशियंट है, एक्स का ये कोफिशियंट है, एक्स क्यूब का ये कोफिशियंट है, एक्स की पावर एन का ये कोफिशियंट है, यही यहाँ पर कोफिशियंट हो गया, यानी कि रियल नंबर्स को ये कोफिशियंट बोल देते हैं, डिफाइन कर दिया कोफिशियंट क्या होते हैं, ईच टर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल हैज ए कोफिशियंट, आप देख लो ईच टर्म हैज, ये पॉलीनोमियल का ईच टर्म क्या होता है, उसके पास कोफिशियंट होता है, ईच टर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल हैज ए कोफिशियंट। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है ये बात, 5x³ - 9x² + x - 3। अब इसमें बेटा एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट है वो क्या है, 5 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो क्या है, -9 है, एक्स का कोफिशियंट क्या है, इसका मल्टीपल क्या है, 1 है, तो इसका कोफिशियंट क्या होगा, 1 होगा, और -3 को बेटा हम लिख सकते हैं, -3 को -3 × x^0, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसमें x की पावर 0 का कोफिशियंट क्या है, -3 है, जब -3 इज द कोफिशियंट ऑफ x की पावर 0 हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, द कोफिशियंट ऑफ x की पावर 3 इज 5, x पावर 3 का 5 हो गया, x स्क्वायर का माइनस का 9 हो गया बेटा, x का 1 हो गया, एंड -3 इज द कोफिशियंट ऑफ x की पावर 0, पता होना चाहिए x की पावर 0 इज इक्वल 1, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी आपके पास। अब हम बेटा बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल होते क्या है, इसे ही हम कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल कहते हैं, इसे ही हम कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल कहते हैं, लिखा है 2 लिखा है, या -3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 15 हो, कुछ भी लिखा हो, कोई नंबर अगर आपका लिखा हुआ है, आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, इन्हें हम कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, तो आपसे पूछ लेगा कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल होता क्या है, तो आप कह सकते हो सर ये होता है द कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल 0, द कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल 0 इज कॉल्ड द 0 पॉलीनोमियल, इसी को 0 पॉलीनोमियल बोलते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनके नाम, अब पॉलीनोमियल के कुछ नाम होते हैं, लिखा है स्पेशल नेम्स ऑफ पॉलीनोमियल, इनके कुछ नाम, इन्हें हम किस किस नाम से
कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहली बेटा बात आ गई मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जैसे ये मोनोमियल बाइनोमियल टाइप, मोनोमियल का मतलब होता है जिस ऐसे ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल वन टर्म है ना, तो ये बात कर रहे हैं ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है जिसमें केवल और केवल वन टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। पूछ सकता है एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही पूछ सकता है। अगर कोई आपसे पूछता भी है तो ये चीज़ें आपको बेसिकली आना चाहिए। ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल, उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, पावर से मतलब नहीं है, एक्सपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, नाइन एक्स क्यूब है, इस सब में क्या है एक ही टर्म, ओनली वन टर्म, ये सारे के सारे ये सब क्या हो गए मोनोमियल हो गए। अब बेटा हम बात करते हैं सेकेंड है आपका बाइनोमियल। सेकेंड आपके पास क्या है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल ये क्या होता है, लिखा है ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म, ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5x माइनस 9, एक टर्म आपके पास ये बेटा हो गया, दूसरा वाला ये हो गया ना, ये आपको बाइनोमियल हो गया। एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, तो 7x क्यूब प्लस x आपके पास बाइनोमियल हो गया, या 9x स्क्वायर प्लस 8, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, ये आपके पास बाइनोमियल हो गया। तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं, या हम इनको बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इसमें ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म टू टर्म्स है ना बेटा। सॉरी, अब थर्ड नंबर पे बात आती है ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल को हम जरा देख लेते हैं। तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो, लिखा हुआ है ये बहुत बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन हो रहा है। ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल बोल देते हैं। ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल, उसे हम ट्राइन। अब कैसे, हम एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ये दिया, जैसे ये 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसमें तीन टर्म है बेटा, एक ये है एक ये है एक ये, तीन टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, एक तो बेटा ये टर्म हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया। मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है ना, ठीक है, ये सब आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा, अब इसमें अगला जो टॉपिक हमारा है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ लिया, कौन कौन से पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने पढ़ ली, पॉलिनोमियल के एग्जांपल पढ़ लिए, जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं उनके भी एग्जांपल आपने पढ़ लिए, उसके बाद आपने क्या पढ़ लिया टर्म्स ये क्या होता है, उसके बाद आपने पढ़ लिया कोफिशिएंट ये क्या होते हैं, उसके बाद आपने पढ़ लिया कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ये भी आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने स्पेशल नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल, इनके कौन कौन स्पेशल नेम्स होते हैं, मोनोमियल है बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है, तो ये भी आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बेटा डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो जैसे ये लिखा है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है, उसकी जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसमें उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हमारी बात को समझने की कोशिश करो, जो हमारे पास क्या होता है पॉलिनोमियल, उसमें जो भी वेरिएबल होता है या उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है वो डिग्री है ना। जैसे द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल, ये क्या बोल रहे हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल है, वाई में होगा तो वाई की पावर, जेड होगा तो जेड की पावर, हम फिलहाल एक्स की बात करते हैं बेटा। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। हम क्या बोलते हैं, कोई आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे बेटा ये है आपका ये 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 है, बोलिए इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, इसमें x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो, बस ये सिंपल सी बात है। हमने क्या बताया, द हाईएस्ट पावर ऑफ x किसी पॉलिनोमियल, जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब बेटा ये हो गया कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x है,
तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। वो ये बोल पा रहे हैं यहाँ पे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल लिखा है 3x+2, तो बेटा इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन वेरिएबल एक्स। अच्छा ये पॉलिनोमियल किस में है, वेरिएबल क्या है इसमें एक्स है, तो ये एक्स वेरिएबल में हो गया। आगे जैसे हमने कोई मान लिया जी वाई का मतलब क्या हुआ, दूसरा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है बेटा वाई है, तो जी वाई इज इक्वल 2y²-7y+3y2। इसमें वेरिएबल क्या है आपका वाई है, इसमें वेरिएबल क्या है वाई है, और वाई की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो वही इसकी डिग्री होगी। इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन द वेरिएबल वाई। वो कितना अच्छा लिख रहा है 2y²-7y+3/2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसकी मैक्सिमम पावर इसमें जो वेरिएबल वाई है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये इसकी डिग्री 2 हो गई। लेकिन किस वेरिएबल में, वेरिएबल वाई। हमने आपसे कहा था ना कि पॉलिनोमियल कोई सा भी हो, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बेटा हम आगे इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जब हम बात करेंगे थोड़ी देर तक, तो देखिए जैसे हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इतना सब हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं आपसे ना, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला नंबर आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होगा देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है ना, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि उस पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x+7। अब 2x+7 में बेटा हम ये देखेंगे 2x+7 में इसमें x क्या है वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है x है, और x की मैक्सिमम पावर 1 है। 2x+7 में वेरिएबल क्या है x है, और x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद है ये 9x+7, इसमें वेरिएबल क्या है x है, वेरिएबल क्या है x है, और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो इसलिए ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगले उसके बाद है बेटा 5x-7, इसमें वेरिएबल क्या है x है, उसकी भी पावर क्या है 1 है, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ये ऐसे बहुत सारे बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो गया, तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात हमारी हो गई। अब हम बेटा बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसकी बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है अब देख लीजिएगा, लिखा हुआ है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उस वेरिएबल की डिग्री 2 हो, मतलब उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहना चाह रहे हैं, कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है यानी कि x है, तो x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो वही आपसे कह रहे हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल x² + 2x + 9 बेटा x² + 2x + 9 में वेरिएबल क्या है x है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। x² + 2x + 9 में वेरिएबल क्या है आपके पास x है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई 2, इसलिए आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। एक अगला एग्जांपल ये 2x² - x + 3, इसमें वेरिएबल क्या है x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इसलिए आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेटा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्या आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्या मतलब हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 हो, या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल
एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में एक्स की मैक्सिमम पावर, देखो इसमें एक्स की पावर टू है, इसमें एक्स की पावर वन है, है ना, यहाँ पर एक्स की पावर आएगी जीरो, तो बेटा इसमें एक्स की पावर क्या है, थ्री, तो सबसे ज़्यादा यही तो पावर है ना, इसकी एक्सपोनेंट जो है एक्स की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री है, उसका मतलब डिग्री इसकी हो गई थ्री हो गई, तो बेटा जिसकी पावर तीन है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, है। दूसरा भी एग्जांपल शायद उन्होंने दिया गया है, सेवन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, सेवन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, बेटा एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है तीन, इसमें एक्स की पावर कितनी है टू, इसमें एक्स की पावर वन है, तो सबसे ज़्यादा एक्स की पावर थ्री है, सबसे ज़्यादा एक्स की पावर थ्री है, इसकी इसलिए इसकी डिग्री थर्ड हो गई, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, टू पावर होगी तो क्वाड्रेटिक, वन पावर होगी तो लीनियर, और थ्री पावर होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इसके बाद बेटा हम बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किस पे बात करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक अब उसमें क्या है सॉरी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री फोर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री फोर हो, या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर फोर हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री फोर हो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। वो इसमें ये कह रहा है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जाम्पल एक्स पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस टू, इसमें जो हमारा वेरिएबल क्या है, सबसे पहली बार वेरिएबल क्या है x है, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है फोर है, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अगर थ्री मैक्सिमम पावर होती तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, अगर x की पावर टू मैक्सिमम होती तो क्वाड्रेटिक हो जाता, और x की पावर वन होती तो मोनोमियल हो जाता, अरे सॉरी लीनियर हो जाता है ना, तो पावर अगर उस किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x की पावर मैक्सिमम वन है तो लीनियर, टू है तो बेटा क्वाड्रेटिक, थ्री है तो क्यूबिक, और फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक, हम क्या बोलेंगे उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके एग्जांपल में दिया गया है, फॉर एग्जांपल एक्स पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस टू, एक्स पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस टू, इसमें जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है फोर है, भाई इसमें एक्स की पावर क्या है फोर, इसमें एक्स की पावर थ्री, इसमें एक्स की पावर टू, इसमें एक्स की पावर वन, तो इस हमारे पॉलिनोमियल में एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है फोर है, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब सीधी सी बात है जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री फोर हो या जिसमें उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर फोर हो तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, समझना बहुत आवश्यक है ये आपके लिए, है ना, क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल यही होता है, और यही न पढ़ के डायरेक्ट एक्सरसाइज तो हमेशा वीकनेस रहती है, आप इसे एक बार दो बार तीन बार चार बार लिखोगे पढ़ोगे समझोगे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर अगर दिक्कत है उसके लिए हम बैठे, अगली बात है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, अब हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, कोई हमारा एफ एक्स क्या है बेटा पॉलिनोमियल है, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, घबराना नहीं है, एफ एक्स का मतलब ऐसा होता है कोई हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है एक्स है, कोई हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है, तो वही आपसे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, अब हम x इक्वल टू ए पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम करते क्या है पता है, x को रिप्लेस कर देते हैं ऐसे, मींस x जगह पुट कर देते हैं a, तो उसकी वैल्यू आ जाती है, मतलब द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज एफ ए, तो वो क्या होगी एफ ए, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्टेंड ऑन रिप्लेसिंग x बाय a, ऑब्टेंड ऑन रिप्लेसिंग x बाय a मतलब x की जगह a पुट करके हम उस पॉलिनोमियल की उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसी पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उस पॉइंट को उस वेरिएबल की जगह पुट कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें उस फंक्शन की उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट
हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस का 3, ये क्या है? पॉलिनोमियल। कोई पूछे कैसा है तो क्या बोलोगे? इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। टर्म कितने हैं इसमें? अगर कोई पूछता है टर्म कितने हैं तो 1, 2, 3 3 टर्म है। फिलहाल अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस का 3 और हमें फिर द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 और इस पॉलिनोमियल की हमें एक्स इक्वल टू 3 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? इस एफ 3 एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे? 3 से। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स लिखे 3 पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। कोई उन्होंने किया है एफ एक्स लिखे एक्स लिखे हमने क्या रखा 3 इज इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस का 3 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 7 3 का 21 हो गया माइनस का 3 हो गया। सॉल्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट जो भी है तो ये आपका होता है। अब हम एक बार फिर एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखिए हम चाहते हैं तो सिंपल वे में आप तक हमारी बात पहुंचे, फिर भी अगर कोई वीकनेस रह जाती है तो उसको छुपाना नहीं कमेंट में या व्हाट्सएप पे या जो भी ग्रुप है उसमें आप डालो, आपस में डिस्कशन कर लो, अदरवाइज हमारे पास है। अब बहुत सिंपली हमने क्या पढ़ा बेटा? पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको मालूम है, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, टर्म्स कंडीशन ये। उसके बाद हमने क्या पढ़ा टर्म्स कितने होते हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कोफिशियंट क्या होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा स्पेशल नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल किस नाम से बताते हैं, मोनोमियल भी है, बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी है ना। उसके बाद डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है पूछता है, तो डिग्री क्या होती है उस पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल एक्स है या वाई है उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है उसकी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है ना, ये हो गए। और उस सबसे लास्ट में उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इतना आपने कर दिया है ना। तो इतना मेरे अंदाज से मुझे ऐसा लगता है, मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। मैं फिर कहता हूँ कि मैं बहुत सिंपल वर्ड्स का कलेक्शन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक टीचर नहीं एक आपका दोस्त बन के, जिससे कि आप तक हमारी आवाज़ पहुँच सके, हमारी जो मतलब जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी क्लैरिटी आप तक पहुँच सके। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक दो वीडियो में आया कि सर आप तेज़ थोड़ा बोल देते हो, मैं बहुत धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इसका सबसे अच्छा फंडा ये है कि आप इसके फेयर नोट्स बनाएं, यही फेयर है, आप इसके पर्टिकुलर फेयर कॉपी लीजिए, डेट बाई डेट आप इसके फेयर नोट्स बनाइए, घर पर आप रिविजन करिए, बार बार इसको लिख कर पढ़िए, समझिए हमारी वॉइस को, ईयरफोन लगा के उसको बार बार पॉज कर करके वीडियो देखिए, समझ में आए। गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें जो समझ में ना आए, और फिर भी अगर नहीं आता है तो फिर आप हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। बट घबराना नहीं है कि मैथमेटिक्स बहुत बड़ा हुआ है, ऐसा नहीं करना। और अगर ये सब सारी बातें हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको सारी बातें अच्छी लगती है, तो मेरा एक छोटा सा काम है आपको लाइक्स करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड को अपने दोस्त को शेयर करना है, जिससे कि जो लोग लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं उन तक ये सारी की सारी बातें जा सकें, वो पहुँच सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।